अब फ्रेंड्स एक कमाल की बात आप लोगों को बताऊं, वैसे तो ये वीडियो जो है मेरे पास एज अ स्पॉन्सरशिप के फॉर्म में आई थी, लेकिन मैं इस वीडियो को कर रहा हूं एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये जो वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है और साथ ही साथ ट्विटर के लिए बनाई गई है जिसको यहां पे पढ़ाना आता है। अब दोस्तों अगर ट्विटर हो तो आप $7,500 पर मंथ अर्न कर पाओगे, और अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने पुराने नोट्स इसके ऊपर सेल करते हो तो आपको पर सेलिंग के ऊपर $10 की अर्निंग मिलेगी। तो चलिए ये तो बात हो गई वर्बली, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये वेबसाइट कौन सी है, कैसे करके काम करती है। अब मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी, मुझे पता लगा कि भाई ये रियल है और लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। विद प्रूफ के साथ यहाँ पे बात करूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों ने प्रूफ भेजे कि भाई हमने अभी तक इससे इतना अर्न कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं स्टडी पूल वेबसाइट के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप लोगों से बोल दूंगा इस वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को 1 से 2 घंटे लग गए हैं सिर्फ और सिर्फ शूट करने के लिए। तो प्लीज यहाँ पे लाइक के बटन को हिट कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है ना तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कंटेंट है और ये एप्लीकेशन या जो वेबसाइट है आप लोगों के लिए काम बहुत ज्यादा आने वाली है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करता हूँ, पूरा विस्तार से समझेंगे कि भाई कैसे वेबसाइट काम करती है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और वरना गाइस यहाँ पे अगर आप मोबाइल फोन से करना चाहते हो तो आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ यहाँ पे वेबसाइट की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपको स्टडी पूल नाम की वेबसाइट देखने के लिए मिल रही होगी। सबसे पहले तो यहाँ पे आ गया है भाई पोस्ट अ क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो। वैसे ये वेबसाइट जो है ना हेल्प करने के लिए बनाई गई है, जिसको यहाँ पे कोई क्वेश्चन में डाउट है तो यहाँ पे यहाँ इस वेबसाइट में आके वो डाउट को सॉल्व कर सकता है एज अ रियल फॉर्म में। अगर किसी के पास गाइड है या किसी के पास डॉक्यूमेंट्स है वो सब देख के अपनी क्वेरीज को यहाँ पे सॉल्व कर सकता है। और अगर आप बिकम ए ट्विटर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। चलिए सारी बातें बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके ऊपर आपको साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप आप डायरेक्टली अपने गूगल अकाउंट से कर सकते हो, वरना आपके पास अकाउंट पहले से है तो यहाँ पे सिंपली आप लॉगिन कर लीजिए। मेरे पास पहले से अकाउंट है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। साइनअप करना बहुत ज़्यादा ईजी है, यहाँ पे अपना गूगल अकाउंट इसके ऊपर साइनअप करिए, साथ ही साथ अपना जो है स्कूल या कॉलेजेस जिसमें आप फील्ड में हैं तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि भाई यहाँ पे वेंडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने पढ़ाई करी हुई है, तो मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें डाल दी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि भाई यहाँ पे आपको ये एक बैंक तरह का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे 1,000,000, 1,100,000, 10,000,000, 10,000,000, यहाँ पे 17 लाख अराउंड जो है वो रिजल्ट मेरे को मिल गए हैं कि भाई यहाँ पे मेरे रिगार्डिंग या मेरी हेल्प करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर मेरे को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे इनको जो है वो पढ़ सकता हूँ। अब उसके लिए मेरे को यहाँ पे इनको पे करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इतना तो आप समझ गए कि भाई ये कैसे वर्क करती है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपकी अर्निंग कैसे होगी। अब देखिए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है आप उसको जो है वो डायरेक्टली सेल कर सकते हो यहाँ पे इसके ऊपर से क्लिक करके। उसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से जो है उसको कैटेगराइज करना होगा। प्रो टिप्स यहाँ पे दे रखी हैं, हेल्प स्टूडेंट फाइंड योर डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग टाइटल। आपका जो टाइटल होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लोग उसको अच्छे से सर्च कर पाएँ, साथ ही साथ वो आपकी इंक्रीज करेगा सेल को। डू नॉट हैव टाइम टू अपलोड डॉक्स एट ए टाइम, पुट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन जिप फाइल। मेन चीज क्या है, अगर आप जो है सिंगल सिंगल करके करते हो ना तो यहाँ पे आप लोगों को हो सकती है दिक्कत। तो आप क्या करिए सिंपली एक जो मान लीजिए आपने जो है वो मैथमेटिक्स की यहाँ पे जिप फाइल बनाई है तो आप जो है उसकी जिप फाइल बनाओ, उसके ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स डालो, और उसके डॉक्यूमेंट्स को डालने के बाद इसके ऊपर आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड के ऊपर क्लिक करके और मेक श्योर वो जो फाइल होगी वो फाइल होनी चाहिए यहाँ पे आपकी जिप फाइल। तो यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा ना तो यहाँ पे आपका डेटा जो है वो दिखाई देगा। वरना गाइस यहाँ पे आप जेपीजी फॉर्म में पीएनजी फॉर्म में भी कर सकते हो, मैक्सिमम यहाँ पे 200 MB की लिमिट है और यहाँ पे जो है वो आप इनका नोटिस भी पढ़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से गाइस ये बहुत ही अच्छी है। आप यहाँ पे देखिए माई अपलोड के ऊपर जैसे ही आप जाते हो तो आपके डॉक्यूमेंट जो है सारे के सारे अपलोड होंगे यहाँ पे दिखाई देंगे। और गाइस जैसे ही आप इसके ऊपर अपलोड करोगे ना उसके बाद ये जाएंगे अप्रूवल फॉर्म के ऊपर। जैसे ये अप्रूव होते हैं, अप्रूव होने के बाद यहाँ पे जो है वो आपको दिखाई देंगे सेल होने के लिए। अब फ्रेंड जब भी कोई यूज़र आएगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर, और जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि भाई जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं इस यूज़र के ऊपर गया, इस यूज़र के ऊपर गया, इस यूज़र के ऊपर गया, यहाँ पे मुझे डॉक्स पसंद आया और मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी इंफॉर्मेशनल कॉन्टेंट मिला तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको अनलॉक करूँगा। अनलॉक करने के लिए मुझे पे करना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे मेरे को $4, $9, $19 यहाँ पे करना होगा, तब जाके मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा।
करूंगा। यहाँ पे ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा मौका है अर्निंग करने का। आप यहाँ पे बिजनेसेस के ऊपर, ह्यूमैनिटीज के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, प्रोग्रामिंग के ऊपर, साइंस के ऊपर, राइटिंग के ऊपर ऑल सब्जेक्ट भी आपको देखने के लिए मिलते हैं कि भाई अगर आप किसके ऊपर एक्सपर्ट हो तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी टूल के ऊपर आपको देखिए यहाँ पे होमवर्क भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए अपने जो है आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, और यहाँ पे अपने सब्जेक्ट चूज करने के बाद आपकी नोट बैंक भी आपको देखने के लिए मिलेगी कि भाई यहाँ पे आपका जो है नोट बैंक यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और फ्रेंड्स मेरे हिसाब से वेबसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों को इसमें काम करने में मज़ा आएगा। क्यों फ्रेंड्स मैंने ऐसा क्यों बोला, अब यहाँ पे आ जाते हैं पेमेंट की बात। यहाँ पे जैसे मैं बैलेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए बैलेंस के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरा बैलेंस जो है वो मेरे को यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे आपका अमाउंट जो है वो अनलॉक अमाउंट यहाँ पे दिखेगा, क्विक टोकन यहाँ पे दिखेंगे, टोटल बैलेंस आपका यहाँ पे दिखेगा, पेंडिंग जो आने वाला है वो यहाँ पे दिखेगा, और जो आउटस्टैंडिंग फाइन है इसका मतलब यह है कि भाई जब भी आप विड्रॉ करोगे तो यहाँ पे से कुछ अमाउंट जो है वो डिडक्ट होगा। और यहाँ पे आपका अमाउंट जो है वो सिंपली टू टू थ्री डेज के अंदर आपके अकाउंट के ऊपर आ जाएगा। मनी विड्रॉ 4 PM एटलीस्ट थर्सडे विल नॉट पेड अंटिल मंडे, तो आप यहाँ पे इनकी जो है वो पढ़ सकते हो। और स्टडी पूल चार्ज 15% फी परचेस ट्रांजेक्शन फॉर अ इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप जो है वो चेक कर सकते हो। रिफंड वाला सेक्शन इधर है, पेमेंट वाला सेक्शन इधर है, आप अपने अमाउंट सिंपली जो है विड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको अमाउंट विड्रॉ किससे करना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको करना है वाया पायनियर, वाया पेपैल, वाया वायर ट्रांसफ़र, आप जो है वो इनको चूज़ कर सकते हो और सिंपली फ्रेंड्स अपना अमाउंट जो है वो डायरेक्टली अपने अकाउंट के ऊपर ले सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप जो है वो पेनियोर से लोगे और यहाँ पे जो है वो इंस्टेंट आपको मिलता है बेसिकली पेपैल के ऊपर, लेकिन ये आपसे इतना सर्विस चार्ज भी लेते हैं। तो आप अपना अमाउंट सिंपली सेलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना अमाउंट जो भी आपका अवेलेबल बैलेंस होगा आप उसको पे आउट के रूप में ले लोगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप जो है वो काम कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कि कैसे आप पे आउट ले सकते हो, कैसे यहाँ पे आप जो है वो अर्निंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको लाइव जो है वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो सेल करके दिखाऊंगा या इसके ऊपर अपलोड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं करता हूँ इसके ऊपर क्लिक, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, वेट अ मिनट। अब फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कि कैसे आप जो है वो इसके ऊपर अर्निंग कर सकते हो, कैसे विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक लाइफ प्रूफ जो है वो ना एक अच्छा रहता है कि भाई कैसे आपको अपलोड करना है, कैसे यहाँ पे से जो है वो अपने जो है आपको अपने पेपर जो है वो अप्रूव कराने हैं, वो सब मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए प्रो टिप्स है, वरना यहाँ पे सिंपली आप JPG फाइल भी डाल सकते हो वगैरह वगैरह सब चीज़ डाल सकते हो। मैं सिंपली करता हूँ अपलोड अ फाइल के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फाइल जो है वो इंटरनेट से निकाली हुई है और मैं इसको जो है वो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए डू नॉट अपलोड रिसीव्ड अ सबमिट अ फॉर्म, इनका जो है आप ये पढ़ सकते हो सारी की सारी चीज़ें, और मैं करता हूँ कन्फर्म के ऊपर क्लिक। जैसे फ्रेंड्स मैं इसको कन्फर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ और जो है मेरा सक्सेसफुली ओपन हो गया है। मैं इसके ऊपर जैसे ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा जो डॉक्यूमेंट है इन प्रोसेसिंग में है। अब फ्रेंड्स जैसे देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग में है और ये बोला है कि भाई 2 से 48 आवर्स तक यहाँ पे लग सकते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको एक पेंडिंग देखने के लिए मिल रहा है, फिर यहाँ पे अप्रूव देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे जब ये अप्रूव होने के लिए आएगा ना, तो यहाँ पे आपको जो है इसके ऊपर टाइटल डालना होगा कि किस चीज़ के बारे में है ये, क्या आप यहाँ पे बताना चाहते हो, आपकी नॉलेज क्या है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे आप जो है वो अपने स्कूल के पुराने नोट्स डाल सकते हो, अपनी फोटो खींच के डाल सकते हो। जैसे ये भाई ने यहाँ पे देखिए फोटोज़ खींच के यहाँ पे जो है स्कूल्स वाले के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे इसने फोटोज खींची है, फोटोज करके डाले हैं, देखिए अप्रूव हो गया है तभी जाके यहाँ पे दिखा रहा है। और इसने ऐसे 12 पेजेस डाले हुए हैं, देखिए कुछ इस तरीके से दीपावली होमवर्क करके कुछ इस तरीके से इसने यहाँ पे डाले हुए हैं, विनय नाम है इस बंदे का, तो कुछ इस तरीके से आप जो है वो देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ये अर्निंग करने का। अब बात आ जाती है बिकम अ ट्विटर के रूप में कैसे अर्निंग कर पाओगे। जैसे ही करते हो बिकम अ ट्विटर के रूप में क्लिक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लोएस्ट सर्विस फीस, अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो 20% स्टार्टिंग फुल चार्जेस होते हैं इसके, और यहाँ पे रिलायबल इनकम है, फुल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, जब मर्जी आओ तब काम करो, रिलायबल इनकम यहाँ पे आपकी होने वाली है। सिंपली अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हो तो आप एज अ ट्विटर के रूप में भी इनके साथ जुड़ जाओगे। साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी होगी आपका ट्विटर यहाँ पे आपको लाइव जो है वो दिखाई देगा, आप जो है उनसे क्वेश्चनिंग वगैरह सब चीज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे मैं मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको देखने में मिल रहा है बिकम ए ट्विटर, तो यहाँ पे इनने लिखा है कि भाई यहाँ पे आप $7,500 पर मंथ अर्न कर सकते हो, और नोट बैंक, बुक गाइड, हाउ डज वर्क, माई ट्विटर, माई बैलेंस आपको यहाँ पे सब देखने के लिए मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं
इसके बारे में अपने तरीके से काम करूं, खुद काम करूं, खुद करके आप लोगों को एक बार प्रूफ दिखाऊं, तो मैं वो भी लाने के लिए रेडी हूं। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन करो बता सकते हो। वरना फ्रेंड्स मैं जो है अभी आपको एक बार लाइव दिखाता हूं, मैंने कुछ जो है इनके प्रूफ अपने फॉलोअर से अपनी तरफ से जो है मंगाए थे। तो यहाँ पर देखिए मैं जो है नाम वगैरह सब चीज़ हाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास इमेजेस हैं। तो यहाँ पर देखिए इसने जो है वो अर्निंग करी है अभी तक $2,160 की, जहाँ पर एक जो है वो इसका डिनाई हो गया है और साथ ही साथ 91 जो है वो अप्रूव हो गए हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सोल्ड 64 इनने करे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे जो है इनने अभी तक जो अर्निंग करी हुई है ना, वो अर्निंग करी हुई है $2,160 की और ये आपको लाइव जो है वो दिखा रखी है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने स्क्रीनशॉट्स अपने खुद से लिखे हैं वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ पे किसी एक यूजर का है। मैं उस यूजर का नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, वो इन्होंने यहाँ पे अर्निंग करी हुई है। तो फ्रेंड्स इसको देख के तो आप समझ गए होंगे कि भाई कैसे कैसे इसके ऊपर वर्क करना है, आप जो है उसके ऊपर कैसे अर्न कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो यहाँ पे आपको जो है वो आपका चैटबॉट दिया जाएगा, आप जो है वो इनसे क्वेरी वगैरह सब चीज़ कर सकते हो, आप कन्वर्सेशन भी कर सकते हो। ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपके डॉक्यूमेंट को अप्रूव कराने के लिए। आप इसमें अपने पुराने नोट्स डाल सकते हो, यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो अपने बुक्स के अंदर उसकी फोटो खींचो वो डाल सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पे आप जो है वो अपनी पुरानी गाइड्स जो होती हैं उसको डाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से ना वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जहाँ पे से आप जो है वो अर्निंग कर पाओगे एज ए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अभी तक जो है वो आपको ऐसा अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। मैं जानता हूँ अगर आपने बहुत सारे चैनल के ऊपर आप विजिट करे होगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ट्रू और इन्फॉर्मेशन कॉन्टेंट देना हमारी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों को, और आप लोगों को एकदम बेहतरीन कॉन्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आती है जो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सारे दोस्तों के साथ, चैनल में नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट कर दो, और ऐसी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन या वैसी वेबसाइट को लाने के लिए मेरे को मोटिवेट करने के लिए तो प्लीज़ एक लाइक के बटन को हिट कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।